हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गमडर एडू। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो होने वाली है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। यानी कि परसेंटेज में आज सीखेंगे होल वैल्यू। होल वैल्यू होता क्या है परसेंटेज में? उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बनी हुई है, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद, उसको देखने के बाद ये आपको आसानी से समझ आएगा, यानी कि उसी का सब पार्ट है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम परसेंटेज में सीखेंगे कि होल वैल्यू होता क्या है, ठीक है। तो होल वैल्यू जो कि है परसेंटेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो होल मतलब परसेंटेज सीखने के लिए होल वैल्यू के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बातें हैं, उसको सीख लेनी बहुत जरूरी है। अगर वो सीख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान लगेगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। तो चलिए इसकी बेसिक बातें सीख लेते हैं। हो सकता है आपको बेसिक बातें अभी मतलब समझ में तो आ जाएगा और आप डाउट रहे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होल वैल्यू होता क्या है। होल वैल्यू को सबसे पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डब्ल्यू वी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं होल वैल्यू को? डब्ल्यू वी होल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। किसमें? शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, शॉर्ट्स में, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे लिखा हुआ है कि 20 बटे में, यानी कि डब्ल्यू वी यानी कि लाभ पर हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? लाभ पर। तो इसको अगर जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 20/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि 20/100 क्यों लिख सकते हैं? परसेंटेज के चिन्ह के लिए नीचे क्या, देखो यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह है, इसलिए अब नीचे आ गया 100/100, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/5 आ गया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए जब भी लाभ की बात हो, ठीक है, तो होल वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकाल लेते हैं? देखिए लाभ होगा तो इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ 5 में जुड़ जाएगा, 5 में जुड़ जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। ये 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। ये क्या होता है लाभ के केस में, यानी कि जब फायदा हो तभी जुड़ेगा, अगर घाटा का केस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। देखिए यहाँ पे हानि का केस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। देखिए 10/ यानी कि प्रतिशत के लिए हम नीचे लगा देंगे 100, 0 से ये वाला 0 कट जाएगा और यहाँ पे आ गया क्या, 1/10 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे, कौन सा माइनस करते हैं, ये वाला जो 1 है ना इसी को हम माइनस करेंगे। मान लो यहाँ पे 2 होता तो 10 में से 2 माइनस करते, यहाँ पे 3 होता तो 10 में से 3 माइनस करते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 9/10 इसलिए आई 10, ये वाला जो होता है ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये आपका आ गया, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम होल वैल्यू का यूज कहां पर करेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं होल वैल्यू का यूज, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम होल वैल्यू का यूज कहां करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बातें लिखी, यानी कि 1 और दूसरी बातें, ठीक है। देखिए सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, इसीलिए यहाँ पे पहले से लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत ही छोटा है और आप लोगों की अगर कृपा रही आगे तो जरूर बड़े बोर्ड पे आऊंगा, ठीक है, और आपको साथ फेस कैम में भी आपकी वीडियो बनाऊंगा, यानी कि फेस के साथ, ठीक है। तो बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो चलिए देखते हैं हम होल वैल्यू का यूज कहाँ करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, जब हमें, ये बात लिख लेना आप याद करके कॉपी और पेन निकाल के, जब हमें सीपी पता हो, क्या हो, यानी कि क्रय मूल्य। सीपी का अर्थ होता है क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि वस्तु को हम जिस रेट पे खरीदते हैं, ठीक है, और अगर बेचेंगे तो हमारा एसपी हो जाएगा। जब हम खरीदेंगे ना, हमारा यानी कि वस्तु को जब हम खरीदेंगे तो हमारे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, और एसपी हमारे वो होता है जब हम वस्तु को, उसी वस्तु को खरीद के किसी और पे लाभ या हानि पर बेचते, वो होता है हमारा एसपी। तो देखिए जब हमें सीपी पता हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा, क्या होगा, सीधा उसको गुना कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे गुना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ गुना करेंगे, जब इस वीडियो को आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज का। आप यहाँ पे पहली बात समझ गए होंगे कि जब हमें सीपी पता हो, यानी कि वस्तु की कीमत पता हो, तो होल वैल्यू को हम क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए, और यहाँ पे जब एसपी हमें पता हो, ठीक है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा, क्या होगा, उल्टा गुना कर देंगे। जब हमें एसपी पता हो और सीपी निकालना हो, देखिए एसपी हमें पता है, सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे, ठीक है। और पहली बात में क्या है, जब हमें सीपी पता हो और एसपी निकालना हो तो हम होल वैल्यू को सीधा गुना कर देंगे। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बनता हुआ जा रहा है,
ठीक है, लंबी हो सकती है, ये वीडियो में बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे होने वाला है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने सीपी पता है, अभी जो ऊपर पॉइंट पहली बातें लिखी थी कि सीपी पता हो, एसपी निकालना हो, ठीक है, यानी कि सीपी आपको पता है तो आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ये आपके सामने उदाहरण लिया हुआ है, ओनली क्या लिया हुआ है, उदाहरण। और किस पर निकालना है, अभी जो आपको मैंने बताया था कि जब लाभ होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, ठीक है, और हानि होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए इसको लाभ में कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए 10% क्या है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 1/ क्या आ जाएगा आपका, 1/10 आ जाएगा, और यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यानी कि आगे 11/10 आ जाएगा आपका, और ये नीचे वाला 10 ज्यो का त्यो रहता है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और अभी आपको क्या बोला था कि अगर सीपी आपको पता है और एसपी निकालना हो तो क्या करते हैं, सीधा गुना कर देंगे, क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे। तो देखिए ये हो गया आपका 500 और गुने में 11/10 आ गया, सीधा गुना कर दिया, वही बात लागू हो गई ना। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे 1 की वैल्यू कुछ बचा ही नहीं, 50 की गुना किससे करेंगे, 11 से कर देंगे। तो देखिए 11 यानी कि 5 का टेबल पढ़ेंगे 11 बार तो 55 होता है, तो 55 हो गया 11 बार में, और ये 0 बचा, 0 इसके सामने लगा दिया, तो आपका जो एसपी निकल के आया वो कितना आ गया, 550 एसपी आपका निकल कर आ गया। ये एग्जाम्पल था आपके लिए, बस आपको समझाने के लिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको। देखिए वस्तु की कीमत कितना है, 1000 रुपए, यानी कि सीपी आपका क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए है, और लाभ हो रहा कितना, 20%, कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है इनके होल वैल्यू पे, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले होल वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। देखिए 20/ आपका कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 आता है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 2 1 2 2 5 10, ठीक है, तो यानी कि 1/5 आ जाएगा, और जब इसको लाभ हो रहा है तो लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6/5, ये नीचे वाला 5 को ज्यों का त्यों निकल जाते हैं। और अब क्या निकाला था, देखो आपको सीपी पता है क्या है, 1000 रुपए, ठीक है, एसपी आपको निकालना है, और अभी वाले पॉइंट आपको लिखा था यहाँ पे कि जब सीपी पता हो और एसपी निकालना हो तो सीधा गुना कर देते हैं होल वैल्यू का, ठीक है, होल वैल्यू को सीधा गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपका सीपी कितना है, 1000 रुपए है, और गुना में क्या करेंगे, 6/5 कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया 200, और जब इस 200 की 6 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200। तो जो आपका एसपी हो गया वो कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया एसपी, ठीक है। कितना सिंपल तरीका था, वही बस एक बार ध्यान रखना कि आपको जब सीपी पता होगा और एसपी निकालना होगा तो होल वैल्यू का जो आएगा उसको सीधा गुना कर देंगे, क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे। और जब एसपी पता हो और सीपी निकालना हो आपको, देखिए ये आप हमें एसपी निकालना था, ठीक है, और सीपी पता हो, यानी कि आपको सीपी पता होगा और एसपी निकालना है तो सीधा गुना कर देंगे, और जब आपको एसपी पता हो और आपको सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, एक और छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है यानी कि उदाहरण है, तो इसको भी देख लीजिएगा, कहने का मतलब ये वाला क्लियर कर लीजिए, फिर आपको आसान लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। देखिए सीपी आपको पता है, देखिए क्रय मूल्य आपको पता है, ठीक है, और हानि कितना हो रहा है, 10% की हो रहा है, ठीक है, और एसपी निकालना है। कहने का मतलब यह है कि एक कोई वस्तु है आपने 1000 रुपए की खरीदी, ठीक है, तो कह रहा है कि कितने पर बेचा जाए कि आपको 10% की हानि हो जाए, यानी कि कितने पर बेचा जाए, यानी कि एसपी आपका कितना हो कि 10% की हानि हो जाए। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे निकालते, सिंपल सा तरीका है, फिर देख लीजिए हानि हो रहा है ना, तो 10/100 को आपने सॉल्व कर लिया, देखिए 10 और परसेंटेज के लिए आ गया 0 यानी कि 100, ठीक है, 0 से 0 काट लिया तो 1/10 आ गया आपका, ठीक है। अब आपका हानि हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी आपको बोला था कि सीपी पता है, सीपी आपको पता है, एसपी निकालना है, तो आपको क्या करते हैं, सीधा गुना करते हैं, तीर में क्या लिखा हुआ था, सीधा गुना करते हैं। देखिए अभी आपको पता था कि जब सीपी पता हो और हमें एसपी निकालना हो तो क्या करते हैं, सीधा गुना कर देते हैं सीपी के साथ। देखिए तो यहाँ पे सीपी आ गया, तो सीपी हमारा कितना है, 1000 रुपए है सीपी,
ठीक है, और सीधा गुना कर देंगे 9 बटा कितना 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 100 की गुना 9 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 900 रुपये, यानी कि ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, कितना इजी था तरीका। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपए की, कोई वस्तु है, क्या है 100 रुपए की कोई वस्तु है, अगर इस पे 5% की अगर वृद्धि हो, क्या हो अगर वृद्धि हो तो हमारा वस्तु में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसको 100 गुना में 105, ठीक है, और इस प्रतिशत था ना, यहाँ पे प्रतिशत के लिए आपको बटे में क्या लगा देना, 100 लगा देना, और इसको साइन को हटा देना। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा यानी कि 105 का बदलाव आ जाएगा, 105 का बदलाव आएगा आपको, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 5% आपका वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई चीज मानते हैं टोटल हमारा प्रतिशत होता है 100%। ठीक है, और जब 5% की अगर वृद्धि होगी तो 100 में हमारा 5 जुड़ जाएगा, तो हमारा टोटल हो जाएगा 105। अगर यहाँ पे 5% की अगर हानि होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, यानी कि हमारा माइनस हो के, यानी कि 100 में से हमारा 5 माइनस हो जाता तो हमारा हो जाता 95% हानि के इस पे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, यानी कि टाइप 1 कि राहुल की सैलरी में, यानी कि जो राहुल की जो सैलरी है वो 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि राहुल की सैलरी पहले थी कितनी, 630 रुपये, ठीक है, लेकिन 630 से बढ़कर 700 कर दी जाती है। ठीक है भाई, पहले वो 630 रुपये कमाता था लेकिन आप उससे बढ़ाकर 700 रुपये कर दी है, तो आप पूछ रहा है कि राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, क्या पूछ रहे, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई राहुल की सैलरी में। तो इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देख लीजिए, राहुल की पहली सैलरी लिख लेनी पड़ेगी। देखिए पहली सैलरी, ठीक, पहली सैलरी कितनी है, 630 रुपये, ठीक है, और बढ़कर सैलरी हुई, यानी कि कितना है, बढ़कर 700 रुपये हो गई। इस तरह से हमेशा निकालना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट देख लीजिए कितने है, कितना बढ़ गया इसमें, 70 रुपये का अंतर है, कितना है, 70 रुपये का अंतर है सैलरी में, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई, 70 रुपये। तो देखिए 70 रुपये निकाल रहे किस पर, यानी कितने से बढ़कर हुई है, 630 से ना, तो बटे में लिख देंगे 630। ठीक है, यानी कि पहली सैलरी को बटे में लिख देंगे, जिससे बढ़कर, क्या राहुल की सैलरी 630 से बढ़कर, इससे बढ़कर हुई ना, इसलिए इसको बटे में लिख देना है। ठीक है, जीरो से और यहाँ पे गुना कर देना, कितना प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत का गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए जीरो से जीरो काट देंगे आप, ठीक, कट गया जीरो से, और इस 100 की गुना किससे कर देंगे, 7 से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 700 बटे में 63 क्या हो जाएगा, 63। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका सोल्व करके जो आंसर आएगा पता कितना होगा, 11.19% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इसी को हमने काट दिया, ठीक, भाग करके आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो आई होप ये सिंपल था। चलिए आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा होने वाला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में आएगा पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, एक टीवी का कोई सेट है टेलीविजन, ठीक है, उसकी सेट में कितने 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, यानी कि 500 रुपये की कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है, तो बताइए कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कहने का अर्थ यह है कि कोई टीवी सेट है, ठीक है, यानी कि उसमें 500 रुपये बढ़ जाता है, क्या होता है, 500 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, बढ़ने के बाद जो कीमत होती है वो 10,500 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो बताइए कि टीवी सेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, यानी कि उसकी कीमत में कितने प्रतिशत बढ़ गया, कितने परसेंटेज बढ़ गया। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए। तो सबसे पहले पहला सेट, यानी कि पहले की जो कीमत और यहाँ पे दूसरी वाली कीमत, ठीक है, तो जो बढ़कर जो कीमत हुई, यानी कि सेकंड कीमत कितनी है, 10,500 रुपये,
ठीक है, क्या है 10,500 रुपए। हमें पहले कीमत पता लगानी है, तो देखिए जब अगर 500 रुपए बढ़कर आया, देखिए 500 रुपए जुड़ गया तो 10,500 हो गया, तो पहले कीमत कितनी थी 10,000 थी भाई, कितनी थी 10,000। सोचिए एक बात कि देखिए 500 रुपए बढ़ा तभी तो 10,500 हुआ ना, तो किस पर बढ़ा 10,000 पर, तो पहली जो कीमत थी 10,000 थी, यानी कि 10,000 पे 500 बढ़ा तो दूसरी कीमत आ गई, ठीक है, यानी कि पहली कीमत 10,000 थी। अब देखिए क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहां तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए बढ़ोतरी कितने की हुई है 500 रुपए की, 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो ऊपर लिख देंगे 500, ठीक है, और बटे में किसको लिखेंगे, जिस पर बढ़ोतरी हुई, यानी कि 10,000 पे बढ़ा है ना, किस पर बढ़ोतरी हुई 10,000 पे, यानी कि 10,000 से बढ़कर, तो नीचे लिख देंगे 10,000, ठीक है, ये रूल होता है, नीचे 10,000 लिख देंगे और गुना में क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। देखिए दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट देंगे, ठीक है, और इस एक जीरो को फिर इस एक जीरो से काट देंगे, तो देखिए 5% की बढ़ोतरी हुई आपकी, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गया और इस दो जीरो से इस दो जीरो को भी काट दे, तो 5% की क्या हो गई बढ़ोतरी होगी टीवी सेट पर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी का एक और पार्ट बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो पार्ट अलग पार्ट में होने वाला है, लेकिन इसी का ही क्वेश्चन आगे और चलेगा, आप देखते रहना, वो भी वीडियो बहुत जल्द से जल्द डाल दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः है 20% तथा 25% के बराबर हो, तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूं कि दो संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या होगी, तो ये तीसरी संख्या से क्रमश है, ये तीसरी संख्या हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमश है, एक क्रमश है होता है लगातार, जैसे कि, ठीक है, फ्रिक्वेंस में 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताइए कि पहली संख्या, यानी कि जो ये पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, इसमें बराबर पूछ लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे तीसरी संख्या, तो प्रतिशत में जब हमें कुछ पता ना हो, तो जब भी परसेंटेज की बात हो, तो हमें पहले तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100%। क्या मान लेंगे 100%, इसको हमने मान लिया, कितना मान लिया 100%, ठीक है, और दूसरी संख्या आपको पता है 25%, ठीक है, तीसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और हमें निकालना है क्या पहली संख्या, तो पहली संख्या भी पता है क्या है 20%, ठीक है। चलिए हम बराबर के लिए सबको हटा देते हैं, परसेंटेज को अभी हटा दिया, यानी कि 20 हो गया, 25 हो गया और 100 हो गया, तो हमें तीन संख्या पता चल गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, देखिए अब हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। देखिए तो बताइए कि पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या की बात हो रही है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि इसका और इसका देखना है हमें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो पहली संख्या को लिख देंगे ऊपर, ठीक है, और किससे पूछ रहा है दूसरी संख्या के कितने बराबर है, तो दूसरी संख्या को हम लिख देंगे नीचे, ठीक, नीचे लिखने के बाद और गुना में कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100% से हम गुना कर देंगे। देखिए काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है, 20 की गुना अगर हम 4 से कर दें, यानी कि 4 की गुना चाहे 20 से कर दे, चाहे 20 की गुना 4 से कर दे, तो हमारा निकल के आएगा 80, ठीक है, 80%, ठीक है, के बराबर है तीसरी संख्या, तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।